Hello friends, welcome to the channel. In this video we will discuss all the important questions of BPCC 105, that is psychological research. सारे ब्लॉक से जो भी इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. इन्हें प्रैक्टिस करके जाइए. अगर इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो आपका लॉस है, और इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो भी आपका लॉस है. तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके देख के ज़रूर जाइएगा. एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं आपका लॉस है. ब्लॉक वन से सिर्फ चार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं. पहला है साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसके आपको डेफिनेशन जानने हैं, गोल्स और प्रिंसिपल्स लिखने हैं. नेक्स्ट है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स. तीसरा है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस. फोर्थ वन इज स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सिर्फ ये चार और ब्लॉक वन कंप्लीट. नेक्स्ट कम टू ब्लॉक टू, सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा. क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है. क्वालिटेटिव मेथड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के जाइएगा, सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड्स पढ़ के जाइएगा फ्रॉम द ब्लॉक टू. ब्लॉक थ्री पे आपको पढ़ना है डिफाइन सैम्पलिंग प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स. ब्लॉक थ्री से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें दोनों ही बोथ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के टेक्निक्स आपको जानने हैं, दोनों तरह के सैम्पलिंग के. ये प्रीवियस ईयर में बिल्कुल भी इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार बिल्कुल आएगा. यूनिट सेवन आपको देख लेना है, ठीक है. यूनिट सेवन में है ये ब्लॉक थ्री के कि डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग बोथ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. ब्लॉक फोर से आपका क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग के कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, सिग्निफिकेंस, टिप्स टू रिमेम्बर, कौन से टिप्स आपको बरतने चाहिए फॉर रिपोर्ट राइटिंग, वो आपको जान लेना है. साथ ही कुछ शॉर्ट नोट में यहाँ पे चार हैं. वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा. बस यही इतना ही है फॉर 50 मार्क्स. साथ ही आई थिंक बीपीसीसी 105 में आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में मार्क्स आप अच्छे तो गेन कर ही लोगे. अगर आप थ्योरी पे भी अच्छा करते हो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. सिर्फ ये 2.5 मिनट का वीडियो, आई थिंक 3 मिनट होगा, तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. एग्ज़ाम देने के बाद आ करके एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे आए और हमें बताएं कि कितना परसेंट एग्ज़ाम में आपके आया था. पक्का इस बार 90% के अबोव ही क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वेविंग.